हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली होम रेमेडी चैनल। आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो जुलाई में पैदा होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जिस पर्सन का जन्म जिस पर्टिकुलर मंथ में होता है, उसके अकॉर्डिंग उसके नेचर और पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो चलिए जानते हैं कि साल के जुलाई में पैदा हुए लोगों का नेचर कैसा होता है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको एस्ट्रोलॉजी और रेमेडी से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। यदि आपका जन्म किसी भी साल के जुलाई महीने में हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी कहती है कि आपको समझ पाना टेढ़ी खीर है। आप काफ़ी रहस्यवादी और मूडी हैं। आपका स्वभाव पल पल में बदलता रहता है और कब आप सामान्य से अचानक गुस्सा हो जाते हैं, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। आप में सबसे स्पेशल बात यह है, आप दिल के काफ़ी कोमल होते हैं। आपकी सबसे खास बात यह होती है कि अपनी लाइफ को लेकर आपके फंडे क्लियर होते हैं। कब, कैसे, कितना और कहाँ बोलना है, यह कोई आपसे सीखे। आप अपने परिवार के कुलदीपक होते हैं। आप में प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन कभी कभार आपका आलस्य आपके लक्ष्य की रुकावट बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर वक्त आपका मूड अपनी प्रगति के लिए नहीं बनता, और जब बनता है तो आप परचम लहरा देते हैं। यदि आपको अपना काम किसी से निकलवाना हो तो वो भी आप बखूबी जानते हैं, और आप अपने बोलने के तरीके से ही अपना काम निकलवा लेते हैं। सामान्य तौर पर आप बड़े कूल दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब आपको गुस्सा आता है तो आपको शांत कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह है क्या, केवल आधे घंटे में आप ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। जुलाई माह में जन्मे अधिकतर युवा सरकारी नौकरी, स्पोर्ट्स और बिजनेस में सफल होते हैं। आपको शेयर मार्केटिंग की काफ़ी समझ भी होती है। आप गणित चाहे कितने भी कमज़ोर हो, लेकिन रिश्तों को बनाए रखने की गणित आपको बखूबी आती है। आप पैसों के मामले में कभी परवाह नहीं करते, चाहे आपके पास पैसे हों या ना हों। आप अपने काम और करियर को लेकर कोई भी समझौता नहीं करते, और इसके साथ साथ आपको दूसरे लोगों की एडवाइस सुनना भी पसंद होता है। आप जिस भी काम में हाथ रखते हैं उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, और आपको अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ना अच्छा नहीं लगता। कई संघर्षों के बावजूद आपके होठों पर हमेशा मुस्कान रहती है। आप में प्रतिभा की भरपूर होती है, परंतु सही समय पर सही अवसर नहीं मिल पाने पर आप निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको अपने जीवन में हमेशा ही सबसे आगे रहने की चाह होती है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में देर से ही सही लेकिन सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। यदि प्यार की बात की जाए तो आपके जैसा गहरा और समर्पित साथी मिलना मुश्किल है। आपको आसानी से किसी से प्यार नहीं होता, और आप बड़ी मुश्किल से किसी से प्रभावित होते हैं, और जब होते हैं तो उसका साथ आसानी से नहीं छोड़ते। आपका खुद का ही व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि आपको किसी को लुभाने के लिए अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। प्यार की राह में आप हर कदम सोच समझ कर ही उठाते हैं। अगर भूल से आपने गलत कदम उठा भी लिया तो आप तुरंत संभल भी जाते हैं। आप अच्छे और सच्चे इंसान को परखने की ताकत रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।